का कर जे हमरा त कह दम दिमाग में जात न कह न ये भोजन मिलता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? यही दिक्कत है कि खाली चावल मिलता है। अच्छा हाँ। और क्या पुलाव खोजते हैं? नहीं पुलाव नहीं खोजते हैं। हाँ। पूरा घर डूब चुका है। हाँ, हम लोग का घर डूब रहा है, सब डूब गया। उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था है, पूरी छना रहा है। और इधर यहाँ पर ये सब्जी है, क्या क्या सब्जी है? हाँ हाँ, चीज मिल रहा है, सारा चीज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको? ठीक है सर, सब सुविधा मिल रहा है ना? नमस्कार, सीके टीवी इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चित्रंजन कुशवाहा। इस वक्त मैं दीघा किनारे हूं और ये दीघा का क्षेत्र है, ये दीघा घाट है। यहां आप देख सकते हैं, इधर दीघा पुल है जो पटना का सबसे बड़ा पुल है, और इधर गंगा आपको दिख रहा होगा। इतना पानी इसमें इस वर्ष आया है जो रिकॉर्ड तोड़ है, और पूरा जो गंगा का दियारा क्षेत्र है वहाँ का जितने गांव है वो डूब चुके हैं। इधर दियारा क्षेत्र से महिलाएं लोग हैं, बच्चे हैं जो आए हैं पटना साइड में, इनका पूरा घर डूब चुका है और ये अब पटना में अपना शरण ली हुई है। क्या नाम हुआ चाची? सोनी देवी। कहाँ घर हुआ? नक्टा दियारा। नक्टा दियारा, कब से आई हुई है यहाँ? 4-5 दिन से। सरकार से राहत मिलता है? हाँ मिलता है। घर में पानी कितना भरा हुआ है? एक चौकी डूब गया है पूरा। हाँ, इधर देखिए दादी हैं, आप बताइए कब से बाढ़ झेलते आ रही हैं आप? हमारा भर गए घर दुआ, डूबिए गई तब ना हिया भागल। हाँ। तब तबियत खराब हिया हो गए, तैका दवाइयो बिलो। तबियत जब खराब हो गया, सरकार से राहत मिल रहा है? हाँ है? हाँ बाबा मिली तो है। इलाज हुआ है यहाँ? हाँ हो है, तो ठीक तो होते नहीं, कोई थीला कोई तो हिला घर ला। देखिए इधर दिखाइए जरा पीछे, देखिए इधर उन लोग का सामने जो दिख रहा है घर है, और ये लोग यही गंगा नदी किनारे बैठ करके सीधे अपने गांव को ही देखते रहते हैं ये लोग। हाँ। और अपने घर की तरफ ही नज़र रहता है इन लोग का, और यहाँ पर ये लोग बैठी हुई है और भी कुछ लोग हैं। सभी लोग का नज़र अपने गांव की तरफ ही होगा, देखिए जितने सारे लोग बैठे हुए हैं सब लोग अपना घर को तरफ देखते रहते हैं, मेरा घर दिखाई दे रहा या नहीं। इधर जितने महिलाएं लोग हैं सब लोग दियारा क्षेत्र से आई हैं, और इन लोग का घर पूरी तरह से डूब चुका है। आप लोग का भी घर डूबा हुआ है? डूबा है ले, अगर डूबल है नहीं आई तो काथी है, सबका डूब गया। हाँ सबका डूब गया है। देखिए दादी हैं, सरकार से राहत मिल रहा है? हम लोग का घर डूब रहा है, सब डूब गया, घर सब डूब गया। हम बैठ के देख रहे हैं कि गिर गया कि बचल है। दिखाई देता है यहाँ से? पानी पानी है, दिखाई तो दे ही रहा है। दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे, सीधे घर है पूरा घर। हाँ सीधी घर है, सीधे तो पेड़ दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं घर दिखाई दे रहा है, तो नाव पर जाइए तो घर दिखाई देगा कि नहीं देगा, जाइए ना पड़ता। नाव से जाएंगे रहा है तब नहीं, इधर गंगा किनारे बैठ रहा है। गांव में अभी कोई है कि नहीं? गांव में आदमी है नहीं, सब आदमी घर छोड़ के भाग आएगा। उन लोग के लिए राहत सामग्री मिल रहा है? आए? राहत मिल रहा है उन लोग? कोची मिल रहा है। खाना पीना? आए खाना पीना कोची में इतना मानी चूड़ा दे ले, इतना मानी अथी दे फाड़ू ही तो उससे आदमी खा के जी जाता है। और क्या चाहिए आप सरकार से? और क्या राशन चाहिए, पैसा चाहिए, तब आदमी जिएगा कि इतना मानी चूड़ा से जी जाएगा। आए और भी लोग हैं, अब आइए इन लोग को दिखाते हैं। जो जानवर इन लोग का है, जानवर के रहने के लिए भी व्यवस्था किया गया है, जानवर का इलाज की व्यवस्था किया गया है, और इधर जानवर पाले हुए हैं। देखिए इनका जानवर है, के गो पाले हुए भैंस? 3 ठो है। 3 ठो है जी। सब लेकर के चला है इस तरफ? हाँ सब लोग। पूरा घर छोड़ दिए हैं? हाँ घर छोड़ दिए हैं। दूध वूध देती है भैंस? देता है 3 पौआ। 3 पौआ। सरकार से राहत मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। जानवर का चारा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। अच्छा आप लोग का? हम लोग का 2 टाइम भोजन मिलता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? यही दिक्कत है कि खाली चावल मिलता है। अच्छा हाँ। और क्या पुलाव खोजते हैं? नहीं पुलाव नहीं खोजते हैं। हाँ। कम से रोटी चाहे। अच्छा रोटी चाहिए था।
अब खाली भात खाने से तो तबीयत खराब हो जाता है। तभी मेस में गए थे तो पूरी बन रहा है। हाँ आज बन रहा है। हाँ, अभी हम आ रहे हैं, आपको पूरी मिल गया आज। हाँ सुना है कि आज पूरी मिलेगा। हाँ खुशी है। हाँ ठीक है। आपका क्या नाम हुआ, आपका नाम क्या बताएं? कृपाल राय। कृपाल यादव। तो ये कृपाल यादव है, इनका पूरा घर डूब चुका है और ये सब भैंसे अवसे सब आप ही का है ना? जी। अच्छा सब परिवार के साथ हम लोग आए हैं। हाँ रहने उने का व्यवस्था है? हाँ स्कूल में है वहाँ घर। अच्छा अच्छा तो देखिए इन लोग का गाय भैंस राहत तो मिल रहा है, सरकार भी राहत ही लोग को पहुँचा रही है। और इधर देखिए, इधर एक परिवार इधर भी है जो अपने गाय भैंस के साथ बैठे हुए हैं और खटिया लगाए हुए हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? भी गाय भैंस है? हाँ हम लोग का है। ये गो? हाँ तीन चार गो। तीन चार गो। सरकार से राहत मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत अभी नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इन लोग का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ इन लोग का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाढ़ का पानी जो है हमेशा इन लोग को परेशान करता है। आपका भी उस पार ही घर है? वही पार। कब से बाढ़ झेल रहे हैं? बाढ़ तो 75 से हम देख रहे हैं, 71 से। इस बार का बाढ़ कैसा है? इस बार का पानी खतरनाक खतरनाक है, लेकिन अब की व्यवस्था सरकार किया है। हाँ व्यवस्था है ठीक है, खाना पीना माल जाल के खाना मिल रहा है। यानी कि इस बार का बाढ़ जो है सबसे भयानक बाढ़ है ना? नहीं 16 से कम ही रहा। 16 से कम रह गया है ना? बहुत लोग को कहना है, कुछ लोग को कहना है कि 2016 में जो आया था वो बहुत भयानक बाढ़ था। 75 से कम रह गया। हाँ इनको सरकार से राहत मिल रही है, सरकार से संतुष्ट हैं, और लेकिन बाढ़ इनका हर साल आ जाता है। सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, बाढ़ से कैसे निजात पाया जाए उस पर ध्यान देना चाहिए। आइए अब मैं आपको इनके मेस के तरफ ले चलता हूँ कि मेस में इन लोगों को क्या क्या खाना बनता है, क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, और क्या क्या राहत इन लोग को मिलता है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊँगा। तो ये देखिए बिहार सरकार शुद्ध पेयजल, जो भी बाढ़ से पीड़ित हैं लोग हैं उनके लिए पानी का व्यवस्था किया गया है, और ये टैंकर में पानी भर के इन लोग को मिलता है, जानवर को पिलाने के लिए हो या खुद पीने के लिए। आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, यही पानी आप लोग भी पीते हैं? हाँ, सब सही है ना? हाँ सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। सरकार से खुश हैं? हाँ सरकार से सारा कुछ राहत मिल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक है। हाँ ठीक ठीक है, जब काहे झूठ, इस बार एकदम राहत बढ़िया मिला है। हाँ हाँ वीडियो सरकार साहब सब आदमी के जय जयकार यहाँ है। हाँ कोई दिक्कत? देखिए ये खाली दिक्कत है, चोकर उकर नहीं मिल रहा है। हम लोगों को तो गौत दहाइए गया, गौत मिल रहा है सर? गौत मिल रहा है, बाकी खा नहीं रहा है। इनका चोकर उकर की व्यवस्था हो जाता तो अच्छा रहता, चोकर की व्यवस्था इन लोग को चाहिए। तो आइए इन लोग का दिखाते हैं आप लोग का मेस, जहाँ खाना मिलता है और ये लोग को खाने पीने का व्यवस्था है। इधर देखिए खाना बन रहा है, यही जो बाहर से पीड़ित लोग हैं उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था है, पूरी छना रहा है। और इधर यहाँ पर ये सब्जी है, क्या क्या सब्जी है? आलू सोयाबीन का सब्जी। क्या? आलू सोयाबीन के सब्जी। आलू और सोयाबीन का सब्जी। और इधर इसमें इसमें क्या है? रोज रोज आलू सोयाबीन के सब्जी बनाते हैं कि और भी कुछ बनता है? चना आलू बनता है, हरा सब्जी बनता है, परवल बनता है, बैंगन बनता है। देखिए ये सब बनता है, और ये लोग ये सब जो खाना है, देखिए ये चना सब्जी है, चना आलू का ये सब्जी है, ये अभी बना है? सुबह वाला है सर। सुबह वाला? सुबह का है, सुबह का अभी बचा हुआ है। ये अपना राजी ले जाते हैं गाय के। अच्छा तो ये देखिए यहाँ पर इन लोग को खाना मिलता है, लोगों को खिलाया जाता है। आज का भोजन है पूरी और आलू और सोयाबीन का सब्जी। यहाँ पर मेस इंचार्ज हैं, आप ही मेस इंचार्ज हैं? नहीं तो ये यहाँ पर व्यवस्था है, और सरकार इस बार राहत बहुत अच्छा किए हैं, लोगों को सारे चीज़ की सुविधा मिल रही है, लोग सरकार से खुश हैं, यहाँ के प्रशासन से खुश हैं। आप लोग भी हाजीपुर से आए हैं, क्या नाम हुआ?
नट्टा दिया से। नट्टा दियारा से। दियारा से सरकार से खुश हैं? हाँ हर चीज मिल रहा है, सारा चीज, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको? ठीक है सर, सब सुविधा मिल रहा है ना? देखिए सरकार से ये लोग खुश हैं और सारी चीज़ें इन लोग को अवेलेबल कराई जा रही है, किसी चीज़ के कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी अपना पूरी तरह से दम लगाई हुई है कि जितने भी लोग हैं, बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, इसलिए सारे सुख सुविधा मुहैया कराई जा रही है। दवा से लेकर के चारा हो या पशुओं को जो भी दवा हो, सब चीज़ मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है। ये है चित्रंजन कुशवाहा के साथ सीके टीवी इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।